हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। यहाँ पे आज हम लोग मैथ्स में इनइक्वालिटी की एक बहुत बढ़िया ट्रिक डिस्कस करेंगे जो लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड है। एक सवाल लिख लेते हैं। सवाल बड़ा आसान सा है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 3x + 4y = 18, 4x + 3y = 17। यहाँ से हमें क्या पता चला, आप ध्यान से देखिए कि x और y के जो वेरिएबल्स हैं यानी उनके साथ जो टर्म्स हैं वो इंटरचेंज्ड हो गए। जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो हम बहुत सिंपल सा एक लॉजिक अप्लाई करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को आपस में सेपरेट कर देते हैं। अगर आप बेसिक से जाते तो आपको क्या करना पड़ता, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 का नीचे मल्टीप्लाई देन इक्वेशन सॉल्व, वो बड़ा लेंदी हो जाता। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर लेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को सेपरेट करूं तो माइनस माइनस माइनस, अब मैंने यहां से देखा तो मेरे पास आया -x + y = 1, या मैं ये कह सकता हूं y = x + 1। इस कंडीशन को देखते ही साथ में क्या कह सकता हूं कि गारंटी से जो y है वो x से एक ज्यादा है। y जो है वो x से क्या है, एक ज्यादा है, यानी x is less than y। So, इन इक्वेशंस को हम लोग को प्रॉपर वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई की निकालने की। जब भी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाए आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, एक्स और वाई का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एक्स बड़ा होगा वाई से। एक्स और वाई का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक्स क्या होगा, लेस देन होगा वाई से। और अगर ये डिफरेंस जीरो आ रहा है तो हम कह सकते हैं x = y होगा। सिंपल सा लॉजिक है, तीन ही कंडीशन बन सकती है। अब देखिए इन्हीं कंडीशन की मदद से हम ये सवाल कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं ये कंडीशन, वेरिएबल्स इंटरचेंज हुए, वेरिएबल्स इंटरचेंज होने पर आप देखिए क्या हुआ, जो सम है वो इक्वल आ रहा है, सम इक्वल आ रहा है। वेरिएबल चेंज होने के बाद भी सम इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, इसीलिए सम सेम हो पा रहा है, क्योंकि 119 112 119 119। वेरिएबल्स जो उनके साथ वाले थे ठीक है वो तो चेंज हुए, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ x और y का, पर सम वही आ रहा है। तो हम जब भी ऐसा सवाल देखते हैं जब मैग्नीट्यूड इंटरचेंज तो हो रहे हो पर सम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा हो, हम सीधे सीधे कह सकते हैं x = y। तो ये दो तरीके के ट्रिक्स थी आज एक ही वीडियो में आपके लिए इनइक्वालिटी की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड।